लगा लगा सब ठीक है। तो चल माइक ले, नहीं नहीं आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कोई इनको बोलो आ जाओ। संतोष आओ बेटा, संगीता संतोष आ जाओ। अच्छा नो नो खड़े आ रहे, आ रहे, थोड़ी हाजिर हाजिर हो दो सब की। चलो बाद में बाद में फोटो आ जाएगी सब। सर आज पूरे मुख्यमंत्री जी की जयंती किस तरह देख रही है कांग्रेस? माँ शूलिनी के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज बहुत शुभ दिन है हमारे हिमाचल के एक महान व्यक्तित्व का, विकास पुरुष का, गरीबों के मसीहा का, और उस शख्सियत का जिन्होंने हिमाचल की तस्वीर बदल दी अपने देखते देखते, जिनके सामने चलने के रास्ते भी ठीक नहीं थे, उन पे अपने पैदल कदमों से चलते उन्होंने नापा, रास्ते भी बने, सड़कें भी बनी, स्वास्थ्य केंद्र भी बने, बड़े बड़े अस्पताल भी बने, बहुत विकास हुआ, जिसकी आज के शब्दों में हम अगर किताबें भी लिखते तो भी कम है। और उस आधुनिक नेता के रूप में मैं समझता हूँ, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परवार ने एक चित्र बनाया था कि किस प्रकार से सड़कें हमारी भाग्य रेखा होती हैं, वास्तव में उनमें रंग भरा राजा वीरभद्र सिंह जी ने। हम उन्हें राजा तो अवश्य कहते थे, उन सबके दिलों के राजा थे वो। हर उस शख्स के, उस गरीब के, उस इंसान के दिल में बसते थे जिनको मैं समझता हूँ कोई भी नहीं पूछेगा, उनको राजा वीरभद्र सिंह पूछते थे। वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक हफ्ते में 4 बार लोगों को मिलने का क्रम बनाया था, जो इस भारत के मैं समझता हूँ राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। एक हफ्ते में 4 बार लोगों की समस्याओं को रूबरू होना एक ऐसे नेतृत्व के का परिचायक था, तभी मैं कहता हूँ कि वो हम राजा साहब से उनको कहते थे, परंतु सबके दिलों के राजा थे। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक कमेटी, सब जगह ब्लॉक के लेवल पे ये फंक्शन हो रहे हैं, लोग अलग अलग गरीब लोगों की समस्याओं को भी देख रहे हैं, उनमें फल भी वितरण कर रहे हैं और लोगों में खुशियों से मिठाई भी बांट रहे हैं और हर प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। ये राजा साहब के स्मरण करते हुए, उनके विकास को याद करते हुए आओ इस जन्मदिन पर हम संकल्प लें। उनका दिखाया हुआ रास्ता, जो विकास पथ मैं समझता हूँ, वो वही आज भी प्रशस्त करेगा हमारे आगामी चुनावों को, वो आज भी सफलता प्रदान करेगा हमारे कार्यकर्ताओं को, वो आज भी जोश भरेगा जिस तरह से राजा साहब करते थे। और उन्हीं लाइन पे हम एक संकल्प लें कि अपने हिमाचल को
वैसा ही सुंदर बनाएंगे जिस प्रकार का राजा वीरभद्र सिंह का सपना था। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर उनकी इस महान व्यक्तित्व को शत शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय हिमाचल।